अनुरीति ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। कुंडली पार्ट 10, इसमें मैं आपको बीज मंत्रों के बारे में बता रहा हूँ। बीज मंत्र वो मंत्र होते हैं जो चाहे ग्रह कारक हो, मारक हो, किसी भी प्रकार का हो, कैसा भी हो, जो किसी भी कंडीशन में नुकसान नहीं पहुंचाते। रत्न नुकसान पहुंचा सकते हैं, दान नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बीज मंत्र ओरा को चेंज करने के लिए सबसे बढ़िया एक उपाय के तौर पर माने जाते हैं। मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल एकांत में, बिल्कुल जीरो में जाके करना चाहिए और एकदम शांति में करना चाहिए। अब यहाँ पर हम आज जो 7 ग्रह और 2 छाया ग्रहों के मंत्रों के बारे में बता रहे हैं वो इस प्रकार से है। तो सबसे पहले मैं आपको सूर्य मतलब 7 ग्रह और 2 छाया ग्रहों के मंत्रों के बारे में बताऊंगा। इसके बाद उनके दान बताऊंगा, उनके मंत्रों की संख्या कितनी होती है वो बताऊंगा, बीज मंत्र, मूल मंत्र, ये चीजें इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो सूर्य हमारे नीम का कारण, फेम का कारण, सरकारी नौकरी का कारण, सरकारी संस्थाओं से मदद का कारण, अगर इसमें कुछ कमी आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो सबसे पहले जो इसका मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इसका मूल मंत्र है ओम हाम हीम हौं हौं सा सूर्याय नमः। इसका बीज मंत्र है, इसकी जो मंत्रों की संख्या है वो 7,000 है। आप जब इसका रत्न पहने तो 108 बार पढ़ के इसको पहन सकते हैं। अगर मैं इसके दान की बात करूं तो इसके दान में आप गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, लाल पुष्प और स्वर्ण, इसको आप दान कर सकते हैं। तो जो सरकार से रिलेटेड समस्याएं हैं वो उसमें आपको कुछ परेशानियां कम हो सकती हैं। सूर्य का जो दान करना है, सूर्य अगर कारक है, अच्छी डिग्री में है, तो उसका दान बिल्कुल नहीं करना है। मंत्र आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, दान तभी करें जब सूर्य मारक हो या इस तरह की कोई परेशानी कुंडली में दिख रही हो। चंद्र, चंद्र यानी चंद्रमा, चंद्रमा के जो मंत्रों की संख्या है वो 11,000 है। चंद्र का जो मूल मंत्र है वो है ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्राय नमः। इसका बीज मंत्र है, इसके अगर आपको दान करना है तो कपूर है, घी है, शंख है, सफेद वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। फिर वही नियम है कि अगर चंद्रमा कारक है तो दान नहीं करना है, ये आप ध्यान में रखें। सूर्य भी अगर कारक हो तो सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। अगर सूर्य मारक है तो ही जल नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ बात मैं बता रहा हूँ अपने पूरे एक्सपीरियंस से। इसके बाद आता है मंगल का मंत्र। मंगल के मंत्रों की संख्या होती है 10,000। इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह सोमाय नमः। इसका बीज मंत्र है ओम अम अंगारकाय नमः। मूल मंत्र है और दान करेंगे मसूर दाल, लाल वस्त्र, गुड़ और स्वर्ण। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन की चंचलता का कारण है, चंद्रमा 2 दिन में राशि परिवर्तन करता है, तो चंद्रमा बहुत तेज है, 16 कलाओं से युक्त ये चंद्रमा, चंद्रमा में जो मेन चीजें हैं वो बहुत तेजी से चेंज, मन का कारक। मंगल भूमि भवन चिकित्सा इस क्षेत्र से संबंध रखता है। बुध का मंत्र, बुध जो होता है हमारी बुद्धि का कारक, बुध हमारे बिजनेस का कारण, बुध के जो मंत्रों की बुध का जो बीज मंत्र है ओम ओम बुधाय नमः। मूल मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स भू भू है ये बुधाय नमः। इसका बीज मंत्र है और इसके मंत्रों की संख्या है 9,000। गुरु ज्ञान का कारक, डिसीजन लेने का कारक, 19,000। इसके मंत्रों की संख्या है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, बीज मंत्र। इसका जो मूल मंत्र है ओम बुम ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इसका मूल मंत्र है। इसके अलावा इसका दान हल्दी, पीला वस्त्र, पीले पुष्प, ये इसका दान है। और बुध का दान जो होता है मूंग, हरा वस्त्र और स्वर्ण। तो ये गुरु के दान थे। अब हम शुक्र के दान की बात, शुक्र के मंत्र की बात करें। 16,000 मंत्र होते हैं इसके। ओम शुम शुक्राय नमः, इसका मूल मंत्र है। ओम द्राम द्रीम द्रौ द्रौम सा शुक्राय नमः, इसका बीज मंत्र है। इसके दान है हीरा, घी और गाय। तो ये बहुत अच्छा, अगर शुक्र का गाय का दान सबसे अच्छा दान माना जाता है। शुक्र का मंत्र और शुक्र का मंत्र भी आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, कारक मारक कुछ भी हो। दान आप जरूर, अगर ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है, कारक है, डिग्री वाइज अच्छा है, तो दान बिल्कुल नहीं करें, अदरवाइज उसकी डिग्री कम होती चली जाएगी। इसके बाद में अगर शनि का बात करूं,
जो शनि शुक्र होता है, शुक्र वीर का कारक है, शुक्र सुंदरता का कारक है, शुक्र लग्जरी का कारक है। शुक्र मतलब ये जो आपकी जितनी भी लग्जरी चीजें हैं उससे रिलेटेड शुक्र उन चीजों का कारक होता है। शनि, शनि बेसिकली शनि की अगर मैं बात करूँ तो शनि की अगर मैं बात करूँ तो शनि का जो मंत्र है वो 23,000 है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका मूल मंत्र है। ओम प्राम प्रीम प्रौ सा शनिश्चराय नमः, इसका बीज मंत्र है। मूल मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः है। और इसका अगर आपको दान करना है तो इसका दान आपका घी है, इसका भी धेनु है। सॉरी, इसके दान गलत लिखे हुए हैं, इसको ठीक करता हूँ। शनि के दान में तिल तेल लोहा, ये इसका शनि का दान है, वो थोड़ा गलत हो गया था वहाँ पे लिखने में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें। शनि बेसिकली लोगों को एकांत प्रिय बनाता है, ये भी बिल्कुल एकांत में ले जाने का काम करता है। इसके जो काम जो इसका जो मेन कारक है वो स्लो कर देता है चीजों को, ठीक है। इसके बाद आता है राहु। राहु और केतु दोनों ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है। राहु बूम का कारण है, कारक है। राहु एकदम से देने का कारक है। राहु देने पे आता है तो इतना देता है लेकिन संतुष्टि नहीं देता। और गुरु जब देता है तो गुरु देता जरूर है लेकिन देने के साथ वो संतुष्टि भी साथ में देता है। राहु एकदम से पूरा फैलाने का काम करता है। राहु बेसिकली जो इसका मंत्र है वो ओम राम राहवे नमः, मूल मंत्र है। ओम राम ह्रीम ह्रौं सा राहवे नमः, इसका बीज मंत्र है। और इसका जो दान है कम्बल तिल तेल लोहा है, ठीक है। जो राहु है, राहु के जो मंत्रों की संख्या है वो टोटल है 18,000, याद रखें आप, 18,000। और इसका ये बेसिकली शनि पर डिपेंड करता है कि शनि कैसा उस हिसाब से कुंडली में चलता है। केतु मंगल की छाया है। केतु का जो मेन काम है, केतु कई जन्मों तक पीछा करता है। केतु मोक्ष का कारण है, शनि एकांत प्रिय बनाता है। केतु दुनिया से ही छुड़वाने का काम करता है। ओम केम केतवे नमः मूल मंत्र है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः बीज मंत्र है। तिल तेल लोहा पात्र, ये इसके दान है। और इसके मंत्रों की संख्या है टोटल 17,000, ठीक है। ये बेसिकली शनि और राहु दोनों, मंगल और राहु और केतु दोनों बेसिकली जो किसके अंडर में काम करेंगे, एक शनि के अंडर में काम करेगा और एक मंगल के अंडर में काम करेगा, ठीक है। तो ये कुछ ग्रहों से संबंधित दान मूल मंत्र मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपको पूरे ग्रह छाया ग्रह उनके दान और संख्या का कितनी संख्या में करना है वो समझाया। जब भी आप दान करें, जब भी मंत्र पढ़ें, मंत्र से तो आप किसी से ना भी पूछे तो चल जाएगा। दान जब भी आपको करना है तो हमेशा कुंडली देख के करना है, बिना कुंडली देखे दान नहीं करना है। तो ये बीज मंत्र थे, ये मूल मंत्र थे। बेसिकली जब भी आप कोई रत्न पहने तो 108 बार इनके बीज मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा ओवरऑल जो संख्या दी हुई है ये नॉर्मली संख्या है, इन पे हम इन ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और इस वीडियो में बता दूं कि सूर्य 16वें वर्ष में एक्टिव होता है, चंद्रमा 24वें वर्ष में, बुध 32वें, मंगल 28वें, गुरु 16वें, शुक्र 25वें, शनि 36वें, राहु और केतु 48वें वर्ष में एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ मंत्रों के बारे में जानकारी, मंत्रों से संबंधित, दान से संबंधित जानकारियाँ। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपडेट उसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस करें। और इससे कोई अगर प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही तो उससे रिलेटेड व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो तक नमस्कार।